जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है श्रीश, स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। जहाँ पर आज की इस वीडियो में भैया हम आए थे डिटेलिंग हॉक एंड कस्टम्स, और आज हमको मिल चुका है एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज। फॉर्च्यूनर के लिए आपने सुना होगा कि वो लोग लेते हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा पैसा कमा लिया होता है, फिर उनको लोगों को दिखाना होता है कि हाँ भाई हमने पैसा कमा लिया। लेकिन सही बताऊं तो पैसे वाले की एक जो आइडेंटिटी अपन इंडियंस करते हैं ना, वो गलत मायने से कर रहे हैं अभी तक। ये जो मेरे पीछे अभी आप गाड़ी देख रहे हो, इसका नाम है टोयोटा वेलफायर, और ये वो लोग लेते हैं जिन लोगों को दुनिया को नहीं बताना होता कि हमारे पास क्या है। जो लोग खुद एक बार गाड़ी में बैठ के एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं, खुद को एक अच्छी सी फीलिंग देना चाहते हैं कि हाँ भाई लाइफ में हमने बहुत कुछ कर लिया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी बहुत ही गजब की गाड़ियाँ। और 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर हम करने वाले आईफोन का गिव अवे। अगर आप वो लकी विनर बनना चाहते हो जिसको आईफोन मिले, तो भैया फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं इस वीडियो में आगे। ये गाड़ी भाई साहब ऐसी है, मात्र 15 लाख रुपए तो इसका RTO आपको पे करना पड़ता है, 4.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, 1,32,00,000 रुपए एक शोरूम कीमत, ऑलमोस्ट 1,52,00,000 रुपए तक की गाड़ी कॉस्ट करती है। ये गाड़ी देखने के बाद आज एक नेक्स्ट लेवल जो है ड्रीम सेट हो गया, क्या लाइफ में करना है तो कुछ ऐसा ही करना है कि ऐसी गाड़ी खरीद पाए। और होप करता हूँ भाई जितने मेरे सब्सक्राइबर भाई देख रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, साथ में मिलके ज़रूर अपने आप को मोटिवेट करेंगे ऐसी गाड़ियाँ देखकर कि यार ज़रूर अपना ड्रीम पूरा करना है। मतलब मेरे को तो क्या ज़रूरत भाई ऐसी गाड़ी की, पर हाँ ये ज़रूर है कि एक ना एक दिन अपने पेरेंट्स को ज़रूर गिफ्ट करेंगे ऐसी गाड़ी। अब बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान हो गया, क्या कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। अधिकतर मैं वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट बोल के बनाता हूँ, पर भाई आज आराम आराम से इतने नाम से बताऊँगा क्या कुछ आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। सबसे पहले तो अपन कुछ चाबी से बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी चाबी अपन को देखने को मिलती है, टोयोटा का लोगो फ्रंट में आपको मिल जाता है, और बैक के अंदर आपको कुछ ऐसा वेलफायर का डिफरेंट ही लोगो देखने को मिलता है। वेल उसी के साथ में यहाँ पर जो पूरी चाबी है पूरी प्लास्टिक में आपको मिल रही है। पियानो फिनिश आपको इन बटन्स के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। लॉक अनलॉक करते ही जो है बहुत ही गजब सी ऐसे इंडिकेटर ब्लिंक होने लग जाते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं। सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। उसी के साथ में डोर ओपन करने हो आपको, कौन से वाले डोर, रियर डोर, क्योंकि इसके अंदर आपको जो डोर्स मिलते हैं वो थोड़े से यूनिक स्टाइल के हैं। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो गाइस मैंने इसको होल्ड करा और वो वाला डोर ओपन हो गया, यहाँ से ओपन करा तो ये वाला डोर ओपन हो गया। मतलब क्या गजब की लग्जरी है। अंदर तो आपको लेकर चलूँगा ही चलूँगा। इसको कर देते हैं बंद, पहले एक बार शुरुआत कर लेते हैं बाहर से, क्योंकि बाहर से बहुत कुछ चीज़ें हैं बताने को। और मतलब भाई सच में एक लेक्सस की ही इसके कॉम्पिटिशन में और आती है अभी, जो लेटेस्ट रणबीर कपूर ने लिए, तो भाई उससे भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी ये गाड़ी अंदर से तो मुझे लगी। हालांकि उसको मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा, इसको मैंने आज एक्सपीरियंस करा। लगभग 1 घंटा मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा। डिफरेंट लेवल ऑफ जो है एक वाइब आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। वेल फ्रंट से अगर अपन बात कर लें तो देखो कुछ ऐसी आपको यहाँ पर लाइट्स देखने को मिल जाती है जो अपने पास LED के अंदर हो जाती है। LED प्रोजेक्टर्स अपन को इसमें मिलते हैं, और ये जो है अपने हिसाब से, जैसे आप हाइट में जाओ या कहीं भी जाओ तो अपने हिसाब से एडजस्ट होते रहते हैं। वेल उसी के साथ में हाई बीम लो बीम दोनों आपको इसमें मिल जाती है। आपके पास DRL ऐसे कुछ मिल जाते हैं, और थोड़ा सा अटेंशन टू डिटेल करोगे तो ये आपको ऐसे लगेगा कि यार ये जो अंदर का ये जो ग्लास है ये थोड़ा सा क्रैक्ड है। मतलब थोड़ी सी डिज़ाइन आपको इस टाइप की इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में हल्का सा नीचे आओगे, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ में क्रोम बिडिंग आपका स्वागत करती है जो ऑल ओवर नीचे तक रन करती है, बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। वेल यहाँ पर आपके पास फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ एक कैमरा मिल जाता है। कैमरा आपका 360 डिग्री आपको इसमें मिलता है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, डेफिनेटली भाई 360 डिग्री कैमरा की इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है। और कोई नया नौसिखिया ड्राइवर तो भाई इस गाड़ी को बिल्कुल चला ही नहीं सकता, क्योंकि इस गाड़ी को चलाने के लिए जो नॉलेज चाहिए होती है, जो स्किल्स चाहिए होते हैं, इनफैक्ट आपको जो इसके अंदर टेक है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए, उसके बाद जाके आप इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। वेल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ब्लैक कलर तो ये गाड़ी देखो वाइट कलर मिल जाएगा, और भी कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, बट यहाँ पर ये सिल्वर क्रोम फिनिश वगैरह आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर जो है कोई भी इशू ना आए विजिबिलिटी के अंदर, कोई भी जो है ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट ना हो, इस वजह से आपको बहुत ही चौड़ा ग्लास यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ से आप आराम से सी थ्रू कर सकते हो कि कोई आपके पास आ नहीं रहा, या फिर आप इजीली इस गाड़ी को टर्न ले सकते हो। वेल यहाँ पर एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, HEV लिखा हुआ है, यानी कि दिस इज़ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम आपको इसके अंदर मिल जाता है।
और गाड़ी का जो इंजन है वो 2.5 लीटर का आपको इसके अंदर मिलता है। उसके साथ में आपको बैटरी की पावर मिल जाती है, यानी कि जो गाड़ी पेट्रोल के अंदर आती है, ये माइलेज जो रियल लाइफ में हमने इस गाड़ी से निकाला है ट्रैवल वगैरह करके थोड़ा बहुत, 17 का माइलेज ये गाड़ी दे रही थी। सोचो इतनी बड़ी बल्कि गाड़ी है, और पावरफुल तो नहीं है भाई, पावर तो फॉर्चुनर से भी कम आपको डेफिनेटली इसके अंदर मिलती है। फॉर्चुनर में 2.8 लीटर का इंजन है, इसमें 2.5 लीटर का इंजन है, बट ये हाइब्रिड इंजन है पेट्रोल के अंदर। उसी के साथ में जो पावर है इस गाड़ी की वो है 190 पीएस की पावर, तो बहुत ही कुछ ज़्यादा बढ़िया पावर मैं इसकी नहीं बताऊँगा। बाकी मिशलिन के टायर्स हैं 19 इंच के, आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं गाइस इस गाड़ी में। जो 19 इंच के जो अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं ना डायमंड कट, ये देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि यार मतलब बहुत छोटे से, 19 इंच भी इस गाड़ी के ऊपर छोटे लग रहे हैं, तो सोचो क्या मैसिव हाइट और डायमेंशन इस गाड़ी के होंगे। हालांकि पूरे टायर प्रोफाइल के यहाँ पर अगर अपन बात कर लें तो 225/55R19 225/55R19 इंच के आपको यहाँ पर डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। मिशलिन के टायर हैं, प्राइमेसी एसयूवी प्लस टायर्स अपन को मिलते हैं, यानी कि बहुत ही कंफर्टेबल राइड ऑफर करने वाले। और मतलब इस गाड़ी के अंदर आपको ज़्यादा आवाज़ वगैरह अंदर महसूस ही नहीं होती भाई। गाड़ी के अंदर सनरूफ भी है, बट यहाँ पर दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है, ब्लैक कलर के ऊपर बिल्कुल चुप जाएगा। ये जो फ्यूल टैंक है, 60 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसके अंदर मिल रहा है, और 60 लीटर का फ्यूल टैंक के अंदर लगभग आपको 600 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर ये गाड़ी दिखा देती है, 600-650 ही दिखा देती है। अब रियर के अंदर अगर अपन आपको लेकर चलें तो देखो, कनेक्टेड टेल लैंप आपको इसके अंदर मिल रही है, टोयोटा का लोगो आपको मिल रहा है, वेल यहाँ पर लाइट्स मिल रही है, कैमरा मिल रहा है, और ऐसे कुछ एलईडी लाइट्स। अगेन गाइस बहुत ही सुंदर चीज़ जो है यहाँ पर गाड़ी के अंदर है। ओवरऑल अगर मैं आपको हल्का सा अनलॉक करके दिखाऊँ तो सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स, रियर लाइट के लिए आपको इधर लाइट मिल जाती है, और बूट ओपन अगर आपको करके दिखाऊँ, क्योंकि इसमें बूट का भी बटन था, तो बूट अपन ने यहाँ पर ओपन किया एंड हियर वी गो, यहाँ पर बूट आपको मिल गया। हालांकि बूट स्पेस को इतना खास आपको नहीं मिलता, बट हाँ ये ज़रूर है कि इस गाड़ी के अंदर आपको जो सीटिंग कैपेसिटी मिलती है, तीन जने टोयोटा बोलता है कि यहाँ पर रियर के अंदर बैठ सकते हैं, तीन इधर, बीच में दो और अपना फ्रंट के अंदर दो, तो ऐसे मिला के 7 जने आप यहाँ पर बिठा सकते हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 6 जने बैठ सकते हैं, और अगर मोस्ट कंफर्टेबल होने की बात करें तो 4 जने मोस्ट कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, और 4 जनों का सामान इस सीट को फोल्ड करके आप जो है यहाँ पर रख सकते हो। हालांकि आपके पास यहाँ पर और भी पोर्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपको ऐसे कुछ यहाँ पर टूल किट वगैरह मिल जाते हैं, और हिडन स्पेस भी है भाई, आपको मतलब कुछ भी कैरी करके ले जाना हो, कैश वगैरह, तो आप रख सकते हो। और यहाँ पर आपके पास एक टायर भी मिल जाता है एक्स्ट्रा स्टेपनी के लिए, यहाँ पर एलईडी लाइट्स अपन को मिल जाती है। सेकंड रो की सीट्स एडजस्ट करनी है तो यहाँ से आप सीट्स एडजस्ट कर सकते हो, इधर भी आपको एक लाइट मिल जाएगी बूट के अंदर, और इधर भी अपने पास लाइट मिल जाएगी। हालांकि टिपिकल टोयोटा, यहाँ पर अगर आपको इसको फोल्ड करना हो तो वही आपको ऐसे खींच के इसको इधर से करके और फिर ऐसे इसको फोल्ड करना पड़ेगा, तो वही पूरा सिस्टम मिल जाता है। हालांकि इसको कर देते हैं अपन पूरा डाउन, बाय द वे इसके लॉक में थोड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, आपको एक यूएसबी पोर्ट इसके अंदर मिल रहा है, जो अपना यूएसबी पोर्ट आपको मिल रहा है जो सी टाइप है, इसको करते हैं बंद। इधर भी आपको एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा जो भी अपना सी टाइप है। गाड़ी के अंदर ग्रैब हैंडल रियर के अंदर है, सीट बेल्ट आपको मिल जाते हैं, और इधर आपको लाइट जो दिख रही है ये पूरी तरीके से भी ब्लिंक हो जाती है, ये भी मैं आपको ब्लिंक करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर स्पीकर्स भी आपके पास मिल जाते हैं, एचईवी की बैजिंग आपको इधर भी मिल जाती है, एंड जो सबसे बढ़िया अटेंशन टू डिटेल चीज़ है, एग्जीक्यूटिव लॉन्च। मतलब भाई साहब टोयोटा इस गाड़ी को लॉन्च ही बोलता है भी भाई, किसी भी महीने में लॉन्च से कम नहीं, क्योंकि सेकेंड मॉडल है लॉन्च इसका, टॉप एंड वेरिएंट है, आपको वाइपर और डिफॉगर तो इसमें मिलते ही हैं। बाकी उसी के साथ में अगर बहुत कुछ बातें हो चुकी है बाहर से, अंदर लेकर चलूँ तो वेलफेयर की बैजिंग आपको इधर मिल जाती है क्रोम इंसर्ट्स के साथ में, इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्टमेंट है वो तो है ही, आपके पास सीट वेंटिलेटेड है वो तो है ही, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स बहुत सारे मिल जाते हैं। आम गाड़ियों के अंदर कंट्रोल्स आपने देखे होंगे सिर्फ यहाँ पर विंडो अप डाउन करने के, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर विंडो के साथ साथ आपके पास रियर के डोर ओपन करने हो तो उसके लिए भी आपको पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ तो देखो, ये अभी अपना अगेन ओपन हो गया, आप इसको चाबी से ऑपरेट कर सकते हो, पीछे से ऑपरेट कर सकते हो, वेल उसी के साथ यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो। चलते हैं गाड़ी के अंदर, और अंदर आने के बाद में कई लोगों को तो दिख गया होगा और कई लोगों को नहीं दिखा होगा। एक सेकेंड, ये गाड़ी अभी बोल रही है भैया मेरी लाइट्स बंद कर दो, लाइट्स मैंने यहाँ पर कर दी है बंद। अब एक बार आप नोटिस करो, यहाँ पर जो आपको पूरा फिनिश मिलता है
लेदर फिनिश इधर मिलता है, इधर आपको वुडन ट्रीटमेंट मिल जाता है, इधर आपको लेदर ट्रीटमेंट, मतलब बहुत ओवरऑल जितना भी इस गाड़ी के अंदर मिलता है आपको पूरा सॉफ्ट टच ही मिलता है। वेल आपको लग रहा होगा यार गाड़ी इतनी महंगी है पर इल्यूमिनेशन इतना कम क्यों है। भाई इल्यूमिनेशन आप यहाँ से इसका कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो यहाँ से कर दिया, ये सेंसिटिव टच वाले भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वेल उसी के साथ में सनग्लास होल्डर मिल जाता है, ऑटो डिमिंग आयर भी मिल जाता है, और अपने पास SOS का बटन मिल जाता है, रियर डोर ओपन करना हो टेल ओपन करना हो यहाँ पर मिल जाता है, ये शेड्स अप डाउन करने हो आपको, ये यहाँ पर जो शेड्स आपको मिलते हैं इनको अप डाउन करना हो तो आप कर सकते हो। उनकी बात करेंगे रियर में जाके, सबसे पहले लाइट चेकआउट करो, ब्रेक दबा के पहले गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इतना कोई खास पेट्रोल वगैरह इसके अंदर खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि यार भाई गाड़ी एक घंटे भी हमने स्टार्ट रख लेना तो भी इसकी कोई खास रेंज यहाँ पर गिरी नहीं है। ऑलमोस्ट और गाड़ियों के अंदर तो हम खुद सोच जाते हैं यार रेंज गिर जाती है, बट इस गाड़ी के अंदर वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे गाड़ी स्टार्ट करी यहाँ पर साउंड सिस्टम वगैरह चल गया, इसको पॉज कर देते हैं, उसी के साथ में यहाँ पर AC के कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस गाड़ी के जो कंट्रोल्स हैं ना थोड़े से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लगते हैं कि यार थोड़े ज़्यादा हार्ड हैं और समझने में उनको टाइम लगेगा और समझना भी पड़ेगा। खैर भाई लेकिन वही वाली बात है, जो उस गाड़ी को चलाएगा उसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। वेल हीटेड स्टेयरिंग व्हील आपको इसके अंदर मिल जाता है, पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं, वाइपर के कंट्रोल इधर आपको मिले जाते हैं। एंड एक बार आप ये चेकआउट करो गाइस, कितना लंबा सारा आपको जो पूरा यहाँ पर डैशबोर्ड का डिज़ाइन मिल जाता है, मतलब आप ये सोचो कि अगर किसी को इस गाड़ी के अंदर नॉर्मल डैशबोर्ड खुलवा के कुछ काम करवाना हो तो भाई नॉर्मल जगह गाड़ी खुली नहीं सकती। वेल यहाँ पर आपको पूरी एक कंप्यूटर की जो मॉनिटर आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, इतनी बड़ी सारी स्क्रीन है, इतनी बड़ी स्क्रीन है, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पर कॉलिंग वगैरह के लिए, यहाँ पर गाड़ी के आपको पूरे कंट्रोल करने, ड्राइव असिस्ट, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, एनर्जी फ्लो, किस हिसाब से एनर्जी फ्लो हो रहा है वो सब आपको पता लग जाता है इस गाड़ी के अंदर, टायर प्रेशर आपको पता लग जाएगा, कस्टमाइजेशन आपको कुछ करना हो इल्यूमिनेशन में, डोर कंट्रोल में, बोर्डिंग एंड एग्जिट में, हेड्स अप डिस्प्ले में, मतलब तरह तरह के कंट्रोल्स आप इस गाड़ी के अंदर कर सकते हो। सेटिंग्स अलग से दी गई है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ब्लूटूथ डिवाइस, जनरल डेटा एंड वाईफाई, डिस्प्ले, साउंड, मीडिया, नेविगेशन, बहुत सारी चीज़ें तरह तरह की आपको इसके अंदर सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसी के साथ में नीचे आओगे तो नीचे आपको AC के कंट्रोल्स इसके अंदर मिल जाते हैं। इनफैक्ट आपके पास यहाँ पर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के अंदर आपको साइलेंट रखना है, आपका फ़ोन वगैरह नहीं आया बिल्कुल, नेविगेशन के अंदर कोई आवाज़ वगैरह नहीं आया वो सब हो जाएगा, मैक्सिमम कूल मैक्सिमम हीट आपको इसमें मिल जाती है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, लेन डिपार्चर अलर्ट सिस्टम मिल जाता है, पार्किंग असिस्ट सिस्टम मिल जाता है, सेफ एग्जिट मिल जाता है आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। रियर क्रॉसिंग ट्रैफिक अलर्ट, कोई ट्रैफिक यहाँ पर पीछे से जा रहा हो गाड़ी के, आप रिवर्स ले रहे हो तो भी आपको यहाँ पर अलर्ट मिल जाएगा। दोनों AC को सिंक करने के लिए यहाँ पर बटन मिल जाता है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है भाई आपको इस गाड़ी के अंदर जितने भी कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं जैसे AC वगैरह के, सब आपको डिजिटली इसके अंदर एडजस्ट करने पड़ेंगे, कंट्रोल करने पड़ेंगे। वेल यहाँ पर आप इसको राउंड करके ऐसे कुछ इसका टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो, तो ये भी आपको बढ़िया इसके अंदर देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में 360° व्यू के लिए डेडिकेटेड बटन है, बाकी अपने पास डिफॉगर वगैरह के लिए बटन देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट के अंदर आपको यहाँ से डिफॉगर चलाना है, मतलब जो अपना अगर धुंध वगैरह जम जाए वो चलाना है तो उसके लिए आपको बटन यहाँ पर मिल जाएगा। JBL का साउंड सिस्टम तो आपको इसके अंदर मिल जाता है, बट वो सिर्फ मतलब कह सकते हैं ठीक है बढ़िया है, बट 1.5 करोड़ रुपए के प्राइस पॉइंट में जो अपन ने GLS या फिर X7 वगैरह में सुना है उससे ज़्यादा मतलब अगर आप कंपेयर करो तो इतना कोई संतुष्ट आपको मिलेगी नहीं इसके अंदर संतुष्टि। बाकी अपने पास यहाँ पर फिजिकल नॉर्म मिल रहा है, ये अच्छी चीज़ मुझे लगी। बाकी अपने पास यहाँ पर AC के फैन से AC बहुत लाजवाब मिलता है, वायरलेस चार्जर है, 2 सीट चार्जिंग पोर्ट है, एक USB के लिए, एक अपना फास्ट चार्जिंग के लिए। पहले उसी के साथ में चाबी को 1 मिनट के लिए इधर रखते हैं, अपने पास इधर भी आपको पूरा पोर्शन देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में अपने पास ऐसे कुछ यहाँ पर गियर नॉब इसके अंदर मिल जाते हैं, CVT गियर बॉक्स आपको बाय द वे इस गाड़ी के अंदर मिलता है, P और R and D आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। होल्ड करना हो आपको ट्रैफिक वगैरह में तो आप इससे कर सकते हो, इकोनॉमी मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना हो, बट ट्रैक्शन कंट्रोल इस गाड़ी में ऑफ करने का बटन क्यों दिया आई डोंट अंडरस्टैंड कौन इस गाड़ी को लेकर ड्रिफ्ट मारने वाला है भाई। EV मोड मिल जाता है, पार्किंग ब्रेक आपको इलेक्ट्रिक मिलता है, पूरी पियानो फिनिश आपको इधर मिल जाता है विच यू हैव टू यूज़ वेरी नाइसली, और इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर ये पियानो फिनिश इतना ज़्यादा है कि स्क्रैच लगने के भी डर है, और इस स्क्रैच से आपको बतानी तो आपको आना कहाँ पर है, डिटेलिंग हॉकिन कस्टम्स में आना है, जो यहाँ पर पीपे वगैरह पूरी गाड़ी पर चढ़ा दे जो अभी चढ़ने इस गाड़ी के ऊपर आया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्राइस वगैरह वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। उसी के साथ में ये पूरा पोर्शन आपको मिल जाता है, और गाइस यहाँ पर आपको बड़ा सारा पूरा ग्लोव बॉक्स एरिया मिल जाता है जिसको आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, सामान वगैरह रख सकते हो। आपके पास 12 वोल्ट का सॉकेट इधर मिल गया, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट इधर मिल गया, HDMI पोर्ट इधर भी मिल जाता है, और आगे भी आपको HDMI पोर्ट इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। वेल बड़े बड़े सीटों की शान क्या है, बड़े बड़े सीटों की शान है ये,
ये इतनी बड़ी आपको जो दिखने वाली ऐसे कुछ लग रहा होगा ग्लो बॉक्स, बट ये इतना बड़ा कुछ खास यहाँ पर है नहीं भाई। ज़्यादा कुछ स्पेस वगैरह आपको इसके अंदर नहीं मिलती, फर्स्ट एड किट वगैरह मिल जाती है, बस दैट्स इनफ। बाकी ये वाला खुल सकता है क्या, लेट मी चेक। नहीं भाई ये ऊपर वाला नहीं खुलता, नीचे वाला ही खुलता है, लेकिन स्पेस काफ़ी आपको और भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। पावर का बटन ये मिलेगी आपको। बाकी उसी के साथ में इधर एक और कमाल की चीज़ है कि पावर डोर ऑफ अगर आपको करना हो, मैनुअली आपको ओपन करना हो, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको ऑन करने हो, ऑफ करने हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। और अपने पास एक बॉटल होल्डर इधर मिल जाता है जो कि लाजवाब जगह पे भाई प्लेसिंग है इसकी। आराम से आपने कुछ भी रखा है इसके अंदर, कोल्ड कॉफी वगैरह, और फिर पूरे रास्ते ठंडी रहने वाली है एसी के थ्रू। ऐसे कुछ इधर भाई, ये मतलब पूरा आपको कपड़े का मिलता है भाई, प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, पूरा कपड़ा फील आपको इधर होने वाला है। इधर लाइट मिल जाती है आपको, उसी के साथ में इधर भी एज इट इज सेम आपको लाइट मिल जाती है, और ये भी पूरा मतलब पूरा फैब्रिक टच इसके अंदर आपको मिल जाता है। वेल यहाँ पर आपके पास हीटेड स्टीयरिंग व्हील तो मैंने आपको बताया था, टोयोटा का लोगो मिल जाता है, ऐसा कुछ आपके पास होने। बाकी अपने पास हेड्स अप डिस्प्ले इसके अंदर मिल जाती है, जिसको आपको बीच बीच में अवेक करनी पड़ती है। अगर आपको दिख रही हो अभी तो ये देखो, यहाँ पर अगर मैं लाइट बंद करूँ इसकी तो अभी ऑटो पे है भाई साहब, पर ये अभी आपको दिख रही हो तो कहीं अभी इसके अंदर हेड्स अप डिस्प्ले आपको नहीं दिखेगी, बट हाँ इसके अंदर हेड्स अप डिस्प्ले है यहाँ पर, और आप यहाँ से जो है पूरे हेड्स अप डिस्प्ले के कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। अपने कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेड्स अप डिस्प्ले के, इधर आपको पूरे कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। और मतलब आपको इस स्क्रीन को भी करना हो, अगर कोई कंट्रोल वगैरह इसके अंदर करना हो, तो आपको हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर ही पूरी चीज़ें दिख जाती है। इसके अंदर आपको ध्यान डाइवर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, विच इज़ क्वाइट टेक्निकल। मतलब जो इस गाड़ी को चलाएंगे तो शॉफर ही ड्रिवन गाड़ी रहेगी बेसिकली, और इतने ज़्यादा उनके यूज़ मेरे ख्याल से आने वाले हैं नहीं। अब अगर वो बहुत ज़्यादा कुछ भाई अच्छे उन्होंने कुछ कोर्स वगैरह नहीं करा हो तब तक, तो स्किलफुल नहीं हो तब तक तो। बाकी अपने पास यहाँ पर नॉब मिल जाता है अपना कंट्रोल करने के, साउंड वगैरह आगे लगभग कुछ आपको ऐसा मिल जाता है। चलते हैं गाड़ी के रियर के अंदर, क्योंकि रियर में असली मजा है भाई। अभी तक आपने जो देखा है ना, वो गाड़ी का सिर्फ 5% था, 95% अभी भी बाकी है। लेट सपोज अगर आप 100 किलोमीटर की इस पे ट्रिप कर रहे हो ना, तो 40 किलोमीटर ही इंजन चलेगा इसका, बाकी 60% ये पूरी ईवी पे चलने वाली है। सोचो कितना फ्यूल बचाती है। चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो के अंदर, क्योंकि असली मजा सिर्फ आपको सेकंड रो में ही आने वाला है। और सेकंड रो के लिए यहाँ पर अपन इसको ओपन करते हैं, वन सेकेंड, इसको 2 सेकंड तक दबा कर रहोगे उसके बाद होगा। और यहाँ पर क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो में एक बार फिर से। क्या बात है, पूरे एकदम मजे ले रहे हो गाड़ी के हैं, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। और गाड़ी बंद हो गई भाई साहब, अब बैटरी पे चल रही है गाड़ी, बैटरी पे। मतलब यार क्या फील नहीं है इस गाड़ी का, एक बार बताओ पूरा। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है मसाजिंग का। 1.5 करोड़ रुपए अगर आज की तारीख में आपको दे तो कौन सी गाड़ी खरीदोगे? यार मैं ये गाड़ी मेरे को बहुत पसंद आई, और मेरे पास एक एसयूवी हो, हाँ उसके बाद में मैं ये ले सकता हूँ। ले सकते हो, अभी तो सेडान है। चाहूं तो एक सेडान, हाँ एक थोड़ी सी अच्छी एसयूवी, हाँ और एक सभी लेना है आपको है। एक तीन, एक में पेट नहीं भरता। क्या करने वाले हो इस गाड़ी के अंदर, क्या प्लान? पीपीएफ करने वाले हम लोग, एवरी डेनिशन वो करेंगे, और थोड़ा इंटीरियर को कोटिंग करेंगे, सिरेमिक कोटिंग, हाँ क्योंकि इस गाड़ी में जरूरत भी है, जरूरत है। तो एक बात बताओ, पूरी फुल प्राइवेसी के अंदर आप इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो अब साथ में रिव्यू करते हैं इस गाड़ी का, क्या कुछ अपन को इंटीरियर के अंदर मिल जाता है। तो मैं उधर की तरफ से आता हूँ, ठीक है? आप इसको करो यहाँ से बंद, अपन ने बंद करा। हालांकि ओके जी, तो यहाँ पर गेट खुल चुका है और ऑलमोस्ट अंदर हम आ चुके हैं। सबसे पहले ग्रैब हैंडल दे रखा है, और ग्रैब हैंडल से जैसे ही हम अंदर आते हैं तो मतलब कंफर्टेबल तो बहुत है। गेट को हमने किया बंद, रूफ पूरी ब्लैक है। सेंटर के अंदर आपको पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं एसी कंट्रोल करने के, सेंटर में आपको यहाँ पर पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और अपने पास स्क्रीन मिल जाती है। जब आप 100 करोड़ के आदमी बन जाओ, हाँ अपने ऑफिस से आ रहे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहे हो भाई साहब, ट्रैफिक की अलग जो दुनिया रहती है बस उन सबसे सब कोई मतलब नहीं है, पीछे कोई मतलब नहीं है, ड्राइवर से आराम से। प्राइवेसी अपने यहाँ पर कर्टन से बन जाती है। आपको यहाँ पर 2 बढ़िया फ़ोन मिल जाते हैं, जिनको एक बार मैं आपको स्वाइप अप करके दिखाऊं। इनफैक्ट यहाँ से आप खोल भी सकते हो उसको। और क्या क्या चीज़ें आपको इस फ़ोन में मिलती है, सबसे पहले तो उस फ़ोन की बात कर लेते हैं। लेफ्ट सीट में अपन बैठे हैं, ऑडियो कंट्रोल कर सकता हूँ भाई, क्लाइमेट कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी कि टेम्परेचर कैसा अगर मुझे बढ़ाना है, तो मैंने यहाँ पर इसको 22 डिग्री कर दिया, और यहाँ पर भी ये 22 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से टच नहीं कर रहा, ये 22.5 23, तो ये पूरा इससे लिंक्ड रहता है। और यहाँ पर मैंने इसको बढ़िया कर दिया, फैन स्पीड कम करनी है तो यहाँ पर कर दिया, मतलब ड्राइवर से कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। इसके अलावा एक लेक्सस की और आती है, उसके अंदर तो पूरा पार्टीशन और मिल जाता है, पूरा पार्टीशन भी आता है, लुक सेम है बाहर से, सब सेम ही है, लेकिन हाँ उसमें पार्टीशन वगैरह और कुछ फीचर्स और मिल जाते हैं। यस,
एग्जैक्टली गाइस, इसको करते हैं रियर के अंदर, लाइट्स मिल जाती है भाई, लाइट्स कमाल की चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। ऑफ, तो यहाँ पर इसको अपन ने कर दिया एक बार, ओके, तो ये पूरे तीन मोड मिल जाते हैं और इसके अंदर पूरी मैंने ऑफ करके अंधेरा कर दिया। अभी गाड़ी बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे एरोप्लेन के अंदर नहीं रहती लाइट्स, वैसी हो गई। इनफैक्ट इसके अलावा भी आपको और लाइट्स मिल जाती है अगर आपको ऑन करनी हो। ओके, एतिहाद, वहाँ मतलब वही वाला फील पूरा आपको गाड़ी दे देती है। कैन नॉट ऑपरेट वाइल मास्टर कंट्रोल इज बीन यूज्ड ऑफ। ओके, तो इसको मास्टर कंट्रोल को एक बार ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ से ऑफ कर दिया, उसके बाद में अब इसको यूज करो। ओके, तो यहाँ से अब अपन ने इसके अंदर ऑन होने के बजाय, हाँ ये चार पार्टीशन में ऑन हो गया। इसको करते हैं यहाँ से ऑफ, एंड अगेन रीडिंग लाइट अगर अपन को ऑन करनी हो, क्योंकि इसमें रीडिंग लाइट मिल जाती है, उसमें तीन मोड्स हैं, तो यहाँ पर अपन ने इसको ऑन कर दिया, ये रीडिंग लाइट्स है। इसको आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो कि आपकी बुक का डायरेक्शन किधर है, आप आगे रीड कर रहे हो किधर कर रहे हो, तो जैसे आप इसको स्पॉटलाइट कह सकते हो। बाकी उसी के साथ में इल्यूमिनेशन, अब इल्यूमिनेशन गाड़ी का जो है यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, और इसके अंदर भी आपको अगर कलर थीम चेंज करनी हो तो यहाँ से अपन ने इसको रेड कर दिया, तो ये रेड हो गई। तो मतलब इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट टाइप आपको सिर्फ यही मिलता है, बाकी और कुछ भी आपको खास इसके अंदर एम्बिएंट लाइट के नाम पे नहीं मिलने वाला, बट यही भी जो मिलता है बहुत बढ़िया लगता है, सिंपल लगता है और मतलब अच्छा लगता है देखने में। ऑल जोन की लाइट अपन यहाँ से ऑन कर देते हैं बिल्कुल ब्राइट, तो यहाँ पर अपन ने कर दी और एकदम इस लाइट को ब्राइट कर दी। अब भाई साहब एकदम ऐसे लगता है जैसे उजाला दिन हो गया हो एकदम। तो ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ से कंट्रोल कर दी लाइटिंग वगैरह को लेकर। चलते हैं गाड़ी के रियर के अंदर, मतलब इसके अंदर अब चलते हैं डिवाइस के रियर। और शेड वगैरह कंट्रोल करने हो तो यहाँ से कौन सा शेड आपको ऊपर नीचे करना है, तो कितना ओपन करना है, तो इतना ओपन हो गया, पूरा ओपन करना है, पूरा ओपन हो गया। तो क्या लाजवाब चीज़ है भाई इस गाड़ी के अंदर, कमाल कर दिया। मतलब सब चीज़ों का आप अपने हिसाब से कर सकते हो। रूफ़ के शेड्स हटाने, तो ये शेड मैंने इसको करा ओपन, एंड हियर वी गो। अरे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फ़ोन से ही कर सकते हो, आप यहाँ पर भी जो आपको कंट्रोल दे रखे हैं ये भी सेम कंट्रोल है जिनको आप यहाँ से कर सकते हो। वेल उसी के साथ में एंटरटेनमेंट के नाम पे रियर के एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए तीन बटन है, डेफिनेटली पहले एक फ़ोन है, हाँ, फिर एक मैनुअल है, प्लस ये ऊपर है, ये ऊपर है और आगे भी है, सबसे बड़ी बात। और अब भाई दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि अब सबसे बढ़िया चीज़ आने वाली है इस गाड़ी के अंदर, वो है अपनी सीट्स। तो सीट्स को अपन टैप करते हैं एंड यहाँ पर लेफ्ट और राइट, मतलब अभी तो राइट में अभिषेक भैया के, एक बार यहाँ पर ऑन कर लेते हैं ये, और फील होने लगा। और मतलब बहुत ऐसे सीट हल्की सी सेट हुई और मसाजिंग ऑन, मसाजिंग ऑन हो गई और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का रिलैक्सेशन अपन को इसके अंदर मिल रहा है। सीट एडजस्ट करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे अभिषेक भैया को थोड़ा सा और कम्फर्ट मोड में ले जाते हैं अपन, और ये बढ़िया कम्फर्ट मोड हो गया। इसको अपन ऊपर करना चाहें तो अपन इसको ऊपर पूरा ऐसे कर देते हैं, इसका टच का है थोड़ा सा, हाँ मतलब ये थोड़ी सी, ये जो इसके ऊपर फिल्म चढ़ी हुई है अभी, इस वजह से होगा, मैं भी पीपीएफ हो जाएगा तो ये बाद में दिक्कत नहीं करेगा। हाँ ओके, तो भाई इसको पूरा एक तरीके से ऊपर कर रहे हैं और यहाँ पर ये पूरा ऊपर होने लग गया। और आपको दिखाऊं तो ये देखो, क्या बात है मतलब यार एक जीएलएस से भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगे, मुझे जीएलएस से ज्यादा वर्दी लगी। मतलब अगर आपको दुनिया को नहीं दिखाना कि एक मर्सिडीज का बैच, तो ये गाड़ी ले आओ, आप गाड़ी भी ला सकते हो बिल्कुल। और इनफैक्ट एक और चीज कमाल की आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है, ये फोन मैंने उठा लिया यहाँ से, और यहाँ पर पीछे आप बैठ सकते हैं अपनी सेक्रेटरी के साथ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ वगैरह के साथ। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ एक और कमाल की चीज, तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है स्मार्ट कम्फर्ट एग्जिट मोड। इसके अंदर क्या है कि आप अभी ड्रीम करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, एनर्जाइज करना चाहते हैं, तो ऑफिस जा रहे हो तो एनर्जाइज की ज़रूरत है, कोई मीटिंग में जा रहे हो तो भाई उससे पहले फोकस करने की ज़रूरत है, मीटिंग के बाद में आपको अगर रिलैक्स करने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद में अपने आगे के गोल्स के लिए आपको ड्रीम करने की ज़रूरत है, तो चारों के लिए आपको यहाँ पर डिफरेंट मोड मिल जाते हैं। उस हिसाब से गाड़ी की लाइटिंग सेट हो जाएगी, म्यूजिक सेट हो जाएगा, म्यूजिक सेट हो जाएगा और सीट सेट। और एक अपन यहाँ पर करके दिखा देता हूँ ड्रीम, ड्रीम के अंदर ये बता देगा यू विल फील रेस्टेड विद वार्म एयर कंडीशनिंग एंड डिम्ड इंटीरियर लाइटिंग। उसको ओके करके देखते हैं, एंड हियर वी गो, ये कमांड इसने ले लिया और यहाँ पर गाड़ी एकदम लाइट डिम होने लग गई, एम्बिएंट लाइट का कलर चेंज हो चुका है, यहाँ पर शेड्स अपने बंद हो चुके हैं, एसी थोड़ा सा तेज़ हो गया है, टेम्परेचर जो है इसका चेंज हो गया है, और अब जो है थोड़ा सा ऐसे ड्रीम उसमें जोन में हम आने लग गए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन आ गए हैं अपने, इसके अंदर टाइम भी सेट कर सकते हो कुल मिला के, बात यह है। अब सबसे बड़ी बात यह है, एक बार अभिषेक भैया के यहाँ पर रीडिंग लाइट अपन जला देते हैं जिससे थोड़ा सा अभिषेक भैया दिखते रहें, चमकते रहें। उसी के साथ में रिलैक्स अगर आपको करना हो तो ओके रिलैक्स कर देते हैं, रिलैक्स में देखते हैं क्या जो है इसके अंदर मोड आता है। तो ये सीट अपने आप एडजस्ट होके सीधी हो जाएगी और रिलैक्सिंग मोड पे आ गई है, लो मसाजिंग ऑन हो गई।
फोकस करना चाहते हो तो फोकस में और ज्यादा जो है स्ट्रेट हो जाएगी सीट इसकी, और एकदम फोकस मोड पे यहाँ पर आपको ये ली आएगी अभी। और इसके अंदर आपको सब सेफ्टी के प्रिकॉशन वगैरह सब साथ साथ देखने को मिल जाते हैं। एनर्जाइज़ इसके अंदर आपको कुछ ऐसा माहौल मिल जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा आपका ये एकदम और ज्यादा एडजस्ट हो जाती है, और लाइट्स वगैरह भी आप चाहो तो इसके अंदर और बढ़िया तरीके से ब्राइट सो के आप उठे हो। हाँ, सो के उठे हो, थोड़ा एनर्जी पहुंचने वाले हो अपने होटल या होटल जहां पे भी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपका ट्रैवल बहुत ज्यादा है ना तो ये गाड़ी आपके लिए एकदम कारगर साबित होने वाली है। ये फील करा देगी आपको कि हाँ भाई आप चलते फिरते फाइव स्टार होटल के अंदर रुके हुए हो, क्योंकि सीट कंफर्टेबल भाई साहब इतनी है। वेल, उसी के साथ में आपको रियर के अंदर यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर कंट्रोल्स है आपके पास जिसको आप आगे पीछे कर सकते हो। वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ, वेंटिलेटेड और ऑन हो गई। यहाँ से मैं और रिक्लाइन कर सकता हूँ, माई ओरिजिनल पोस्चर और स्मार्ट कम्फर्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें लगभग आपको यहाँ पर पूरी अपने घर की याद दिला देगी। यहाँ पर जैसे अगर आप इसको ऊपर करना चाहो तो और ऊपर कर दिया, और ऊपर कर दिया। सबसे बड़ी बात, मतलब लेफ्ट वाले पैसेंजर की तो इतने मजे हैं कि इसको भी आगे कर दो पूरा। और जितनी आपने लग्जरी गाड़ियाँ देखी होगी, ऑडी ए टेल या फिर अपनी एस क्लास वगैरह, सब के अंदर आपने फीचर देखा होगा। इसको पूरा आगे जो है अपना ये वाला बॉस मोड करके पूरा इसको ऑलमोस्ट आगे कर दो। अभी अपने फुल आगे हो चुका है जितना होना चाहिए था, और फिर इसको पूरा ऊपर कर दो यहाँ से। तो अभी मैं यहाँ से इसको ऊपर कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं जितना करना कर सकता था कर दिया, और इसको जितना पीछे कर सकता था उतना पीछे कर दिया। और यहाँ पर अब भी भाई साहब ये हो चुका है मेरा एकदम रिलैक्सिंग जोन। मतलब आप ये देखो क्या बढ़िया रिलैक्सिंग जोन है। पर अभिषेक भैया, ये रिलैक्सिंग जोन आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि आगे ड्राइवर भी तो बैठेगा। तो ये वाली बात है भाई, तभी यहाँ पर जो है ड्राइवर के क्रॉस में जितने भी बड़े आपने 100 करोड़ रुपए कमाई लिए, तो आपको जो रिलैक्स जब करना होगा तो गाड़ी के अंदर मूवी वगैरह भी देखनी होगी, और चलते चलते भाई बोर हो जाएंगे तो क्या करें। तो आपके पास यहाँ पर HDMI पोर्ट के साथ में एक इसी स्क्रीन मिल जाती है, एंड कनेक्शन आपको इसका मिलता है इधर की तरफ, इधर से भी है, प्लस आर्मरेस्ट के अंदर, आर्मरेस्ट के अंदर भी है, इधर AC वेंट्स भी है। और यार इधर देखो, इधर की आपको ज्यादा ठंडी हवा मिल रही है, इधर की आपको थोड़ी वार्म मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं कि ठंडी ठंडी हवा आपके मुंह पे चुभेगी। हाँ, वो सेट इस वजह से यहाँ पर इस तरीके से हो रखा है। उसके साथ ग्रैब हैंडल भी आपको इधर मिल रहा है, लेदर राइट सीट्स है, इधर स्टोरेज आपको मिल जाएगी। इसके अंदर क्या रख सकते हैं अभिषेक भैया, कुछ भी सामान रखना हो, पर इसकी जगह अगर फ्रिज दे दे तो सही नहीं रहता? बिल्कुल, यहाँ फ्रिज होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए था। शैंपेन वैम्पेन कोई भाई डील बड़ी करा दो भाई, और 100 करोड़ रुपए कमा लिया। इसमें अपना छोटा मोटा सामान वगैरह रख सकते हैं, और उसी के आगे बेसिकली शू क्लीनिंग का सामान भी आप रख सकते हो, क्या आप जा रहे हो तो वो सब, या छोटा मोटा जो भी आप रखना चाहो हिसाब से। तो शायद पिस्टल रखने की स्पेस। हाँ यार बिल्कुल, नहीं नहीं सही बात है, क्योंकि जब आदमी इतने पैसे कमा लेता है ना तो दुश्मन वगैरह भी बन जाते हैं। और अगर आपको टीवी कंट्रोल करना हो तो भाई देख लिया आपने पिक्चर, टीवी बंद कर दिया तो यहाँ से ऐसे ही टीवी भी बंद हो जाता है। मतलब आपको नहीं चाहिए तो, तो आप बंद भी रख सकते हो। प्लस अगर पीछे से लाइट वाइट आ रही है कुछ ज्यादा तो इसको आप टिल्ट वगैरह भी कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ये भी एक अलग सा बढ़िया चीज मिल जाती है। तो कुल मिला के एतिहाद एयरलाइंस का बिजनेस क्लास बिल्कुल सौदा हो गया अपने, ये टोयोटा का एग्जीक्यूटिव लॉन्च। और उसी के साथ में यहाँ पर आप इनको खोल के भी आपके पास एक अलग सा एक्सेस मिल जाता है, किसका, एक ट्रे का। भाई इतनी दूर दूर जा रहे हो तो ढाबे पे बैठ के तो ऑब्वियसली खाओगे नहीं, हर जगह तो कोई बढ़िया बढ़िया आपको 5-star रेस्टोरेंट मिलते नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर अपना मील रख के खाना पड़ेगा जो आप घर से लेकर आए हो या फिर बाहर से जो आपने ऑर्डर वगैरह कराया है। इनफैक्ट लैपटॉप का भी आपको कोई काम करना है, बुक वगैरह, तो आप कर सकते हो, कि रीडिंग लाइट दी रखी है और इसको सीधा पोजीशन आप कर सकते हो इसके ऊपर, और अपना एकदम आराम से बुक वगैरह पढ़ सकते हो रात के अंधेरे में एम्बिएंट लाइट के साथ। उसी के साथ में बढ़िया मिरर आपको इसके अंदर मिल जाता है। हेलो गाइस, सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पर मैं बाल भी देख पा रहा हूँ एकदम, मतलब कितने सेट कर लो खराब हो जाते हैं। तो भाई ऐसी बात है, फुल राजाशाही फीलिंग इस गाड़ी के अंदर अपन को ओवरऑल इसके अंदर देखने को मिल जाती है। मैं तो पैसे होता हूं, मैं गाड़ी ले लूं। है ना, प्लाट की जरूरत नहीं है, प्लाट तो ले लिए जितने लेने थे, अब ये गाड़ी लेकर आओ। वेल, उसी के साथ में एसी को वापस कर देते हैं इधर बंद। और अभिषेक भैया, गाड़ी इतनी बड़ी है, इतने सारे फीचर्स हैं कि अपन बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिस भी कर सकते हैं, बहुत चीजें मिस भी हो सकती है। प्लस इसके टेल लाइट के वहाँ पे भी एक बटन है। अच्छा, वो काहे का, वो अभी तक मैंने भी नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे भी एक बटन है, वो भी कुछ ना कुछ वो काम तो मेरे ख्याल से तो ये हो सकता है बूट ओपन करने के लिए, बूट ओपन या गेट ओपन कुछ, या कुछ बूट कुछ के लिए हो सकता है, लेकिन बूट के लिए बूट पे भी है बटन। बिल्कुल, तो मतलब यार कितने सारे फीचर्स हैं। वेल, उसी के साथ यहाँ पर बढ़िया गाने वगैरह चलते रहेंगे, कंट्रोल कर सकते हो आप गानों को भी। और यहाँ से शेड्स वगैरह अगर आपको मैनुअली अप डाउन करने हो तो भी आप यहाँ पर शेड्स अप डाउन कर सकते हो मैनुअली। ये भी बड़ा प्यार से नीचे आता है, कुछ आपको थैली वगैरह, हाँ कुछ थैली वगैरह लगाने, तो ये बहुत अलग से नेक्स्ट लेवल, मतलब ये छोटी मोटी चीज है जिनसे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मतलब भाई जो फील है ना इस गाड़ी के अंदर राजाशाही वाला, एक नंबर आपको मिल जाता है, और इस एक नंबर के पैसे। बाकी अब एक चीज बताओ, इस गाड़ी के अंदर जो आप PPF करने वाले हो वो कितने रुपए में करोगे? PPF होगी 1,80,000 में, 1,80,000 रुपए में, इतनी बड़ी गाड़ी की भी। बिल्कुल,
जितने पियानो फिनिश पार्ट इन पे नहीं, पियानो फिनिश पे नहीं, वो हमने बोला था इनको की प्री कट पीपीएफ ले लो, उसमें प्रॉपर इंटीरियर की कटिंग आ जाती है, लेकिन वो नहीं करवा रहे, वो बोले दोनों फोन। और अगर कोई करवाना चाहे तो कितने रुपए का कॉस्ट? वो पड़ेगा 45,000 का अलग से इंटीरियर इंटीरियर पीपीएफ। ये बात है भाई। वेल उसी के साथ में यहाँ पर बहुत सारे कलर्स ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो एम्बेंट लाइट के कलर्स आप यहाँ से एकदम सिंपल एकदम एडजस्ट कर सकते हो अपने लाइट वगैरह के लिए। बाकी भाई वेलवेट की एकदम पूरी आपको ऊपर ये मिल जाती है छत, और मतलब बहुत ही सॉफ्ट सा, मतलब ये गाड़ी ऐसी कि इसके बारे में कितनी बात करूँ उतना ही कम है भाई। मैं तो अब इस गाड़ी के अंदर एक घंटे तक पूरा मसाज लेने वाला हूँ बढ़िया एसी वगैरह के अंदर, ना कोई इतना खास पेट्रोल खर्च होने वाला, क्योंकि हाइब्रिड है, एवरेज भी बढ़िया देती है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। ना भी देखो क्या फर्क पड़ता है, अपन को तो पड़ता है, अपन ने तो ना ले ली। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो कर लीजिएगा इस वीडियो को लाइक, कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।